सूर्य विहार कॉलोनी कैलाश नगर कुरुद के रहवासी इस कॉलोनी तक के पहुंच मार्ग के अत्यंत जर्जर होने और निर्माण नहीं कराए जाने से नरकी जीवन जीने मजबूर हैं और इसी मजबूरी ने आज इन्हें धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया है। सूर्य विहार कॉलोनी कैलाश नगर कुरुद के रहवासी नरकी जीवन जीने को मजबूर है क्योंकि सूर्य विहार कॉलोनी तक का पहुँच मार्ग इतना खराब हो चुका है कि बरसात के दिनों में इस रास्ते पर गुजरना खतरे से खाली नहीं। और अभी तो ठंड ठीक से गई भी नहीं है और ना ही गर्मी ने दस्तक दी है, परंतु गर्मी के बाद आने वाली वर्षा ऋतु के आगमन को सोचकर कॉलोनी वासी एक बार फिर घबरा गए हैं। कॉलोनी वासियों ने अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरने का आगाज किया है और जब तक यह सड़क ना बन जाए तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। कुछ महीनों पूर्व जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे भाजपा के कुछ नेताओं ने आकर सड़क पर धान रोपे थे और आज जब भाजपा की सरकार प्रदेश में बन चुकी है तो वही नेता अब कॉलोनी वासियों से बात करने को भी तैयार नहीं है। कॉलोनी वासी परेशान है कि आखिर उनके कॉलोनी तक का पहुंच मार्ग कब तक बन पाएगा और कब तक इस मार्ग पर चलने से होने वाली दुर्घटनाओं से इन्हें निजात मिल पाएगा। सुंदर विहार कॉलोनी वार्ड 22 में आता है, परंतु वार्ड 22 के जनप्रतिनिधि की निष्क्रियता भी एक कारण हो सकती है कि यह सड़क नहीं बन पा रही है। परंतु वहीं वार्ड क्रमांक 21 की पार्षद नेहा साहू कॉलोनी वासियों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है और कहती है कि हम भी इनके साथ सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। धरने पर बैठे कॉलोनी वासियों ने अपनी पीड़ा इस तरह से बताई है। भैया, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि 200 साल से प्रयासरत है और सिर्फ मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसा ऑडिटोरियम या कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं कर रहे हैं। रोड, नाली, सीवरेज बस इतनी सी मांग है। इसके लिए कई वर्षों से जूझ रहे हैं और 11 अगस्त 2023 को भी धरने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। आनंद फानन में शासन प्रशासन ने टेंडर करवा दिया कि हम रोड बनवा देंगे एक आध माह के अंदर, लेकिन उसके बाद चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। हमें भी उम्मीद थी कि रोड का टेंडर हुआ तो रोड बनेगी, लेकिन इतने वक्त के बाद रोड नहीं बनने से अभी पिछले हफ्ता 10 दिन पहले हम कलेक्टर मैडम को फिर से मिल के आए हैं और इस चीज़ को याद करा के आए हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक के किसी भी तरीके की शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं आई है। और अब आखिर थक हार के हम रोड में धरना प्रदर्शन करने बैठे हैं, ये शौक नहीं है, ये मजबूरी है और शासन प्रशासन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। चूँकि यहाँ पे दो लोगों की मृत्यु हो चुकी है और यहाँ से टैक्स भी जाता है, फंड नहीं होना, ये सब चीज़ एक अलग तरीके की बात है, बात डाइवर्ट करने वाली बात है। ये सब तो छोटी सी मांग है, एक पहुँच मार्ग की मांग है, इसके अलावा यहाँ पे कोई दूसरी मांग अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। उनसे भी मैंने संपर्क किया था और उन्होंने फिर कुछ व्यस्तता बताई है कि वो रायपुर में है या कहीं और है, या आएंगे तो समय मिलेगा तो हम आएंगे। संपर्क मैंने उनसे भी किया था कि अभी तक धान आपकी फसल पक चुकी है, काटने का समय आ चुका है, शासन सरकार अब आपकी आ चुकी है, तो निवेदन है कि रोड पहले कांग्रेस शासन से भी मंगी थी और आज हम इनसे भी मांग करते हैं। और हम किसी पार्टी लेवल पे नहीं जा रहे, ये सुंदर विहार कॉलोनी का धरना है, किसी पार्टी विशेष का धरना है। टैक्स को लेके शासन प्रशासन कलेक्टर महोदया से एक ही निवेदन है, या तो रोड बना दे, नहीं तो अगली बारिश से पहले एक नाव की व्यवस्था करा दे, क्योंकि यहाँ पे धान रोपाई हो रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए कम से कम एक नाव की व्यवस्था करा दे बारिश से पहले, या तो रोड बना दे या फिर टैक्स माफ कर दे। हम उस पैसों से हम स्वयं रोड निर्माण कर लेंगे, क्योंकि सबका टैक्स निकलता है। वजह तो है, बहुत सारी वजह है, लेकिन मेन वजह हमारी यह है कि हमारी सड़क नहीं बन पा रही है। सभी लोग आते हैं, बोलते हैं, हाँ, आश्वासन देते हैं, और सबसे बड़ी बात है इस सड़क का टेंडर भी हो गया, भूमि पूजन हो गया, सब चीज़ हो गया, उसके बाद में भी हमारी सड़क नहीं बन रही है। और हमारे लोग इतने गिर पड़ रहे हैं, हर जगह जगह पर पानी जमा हुआ है, मच्छर हो रहे अंदर, मतलब एकदम सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। फिर भी शासन प्रशासन कोई भी हमारे यहाँ आकर के रोड नहीं बना रहे, सब जगह जाके थक गए। अब कारण तो शासन ही बताएंगे, हम नहीं बता सकते इसके बारे में। हम कलेक्टर मैडम के पास में भी गए थे, उनने बोला तुरंत, मतलब संज्ञान दिए, आयुक्त के पास में, मतलब उनने भेजा, फोन नंबर के फोन किए तो वहाँ भी गए थे। क्या बोलते हैं, हमारे विधायक साहब भी मिले थे उस दिन वहाँ पर, लेकिन उसके बाद में उनने आश्वासन दिया हमको कि आपका रोड मतलब बन जाएगा, लेकिन अभी तो कोई मतलब ये नहीं हुआ, इसका कोई नहीं आया हमारे यहाँ पर। समस्या ही समस्या है, अंबार है समस्या का बोला जा सकता है। मुख्य मार्ग नहीं है, पहुँच मार्ग नहीं है, आए दिन एक्सीडेंट होता है यहाँ पर, दो लोग की अभी अभी मौत हुई है। ये आंटी जो बाजू में खड़ी है, इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था बरसात के समय में, मेरा खुद का बच्चा कई बार गिर चुका है यहाँ पर। बहुत लोग गिरे हैं सर, है ना, का तो कोई नहीं। क्या क्या कारण है, क्यों नहीं बन पा रहा है, बाकी सब जगह तो विकास, कुछ भी बोल नहीं सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते सर। राजनीतिक चाल है या शासन प्रशासन ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते। पूरे आए दिन कोई भी गिर रहा है, कुछ भी हो रहा है। क्या चाहते हैं, क्या गुहार लगा रहे हैं?
सबके पास चले गए, कलेक्टर कलेक्टर के पास चले गए, अपना आयुक्त के पास चले गए, महापौर के पास चले गए, कांग्रेस शासन था तब भी चले गए, अभी बीजेपी में भी गए हैं, तो कोई सुनवाई ही नहीं है हमारा। सिर्फ यहाँ नहीं बन रहा है सुंदर विहार कॉलोनी में, बाकी सब जगह बन रहा है, बोलते हैं यहाँ के लिए फंड नहीं है जी। वैसे तो देखा जाए तो लगभग 20 वर्षों से यहाँ के लोग जो हैं इस सड़क की मांग कर रहे हैं, क्योंकि एक मुख्य मार्ग है इस कॉलोनी में प्रवेश का। और जैसा कि सभी जानते हैं, ये वैसे तो ये वार्ड नंबर 22 है, लेकिन मेरे निवास स्थान से लगा हुआ स्थान है, इसलिए यहाँ के लोगों से मेरा हमेशा से ही संपर्क रहा है और अच्छे व्यक्तिगत संबंध भी हैं, और उनके लिए हम लोग हमेशा खड़े ही रहते हैं, उनकी जो भी मांग रहती है। हमने भी बहुत प्रयास किया, काफ़ी हमारे साथ जितने लोग हैं यहाँ के निवासी, वो लोग हर स्तर पर प्रयास करते रहे, चाहे निगम में जाना हो, चाहे जोन ऑफिस में जाना हो, चाहे कलेक्टर महोदय के पास जाना हो, चाहे किसी भी विधायक दल के पास जाना हो, सांसद के पास जाना हो, सबके पास गए, सबके पास दौड़े हैं। और दौड़ के कुछ प्रयास तक तो हम पहुंच गए थे कि हमने पिछले 3 महीने पहले लगभग जब अगस्त में जब हमारा कांग्रेस का शासन था, तब हमने इस रोड का टेंडर हमने करवाया, प्रस्ताव हमने डलवा के टेंडर करवा दिया है, और जो कि आप देख सकते हैं, आपको नगर निगम की साइड में ऑनलाइन में दिख जाएगा। लेकिन उसके बाद से अब जैसा कि सभी जानते हैं कि हम आशा में थे कि हमारी सरकार पुनः आएगी, लेकिन कुछ कारणवश जो है हो गया ऐसा कि हम नहीं आ पाए। लेकिन हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हमको रोड चाहिए, शासन कोई भी बनाए, रोड बनना चाहिए, आवश्यक है, क्योंकि इस कॉलोनी में प्रवेश के 2 रोड हैं। एक ये रोड है जो सुंदर विहार कॉलोनी में फेस 1 में शुरू का मुख्य मार्ग है, और एक नालंदा स्कूल के पास की रोड है, जो कि कैसी स्थिति में है मेरे ख्याल से आप लोग भी सब अवगत हैं उसकी स्थिति से। दोनों ही पहुंच मार्ग जो है ही नहीं, कभी निर्माणाधीन भी नहीं हुए हैं, कभी निर्माण भी नहीं हुए हैं, ऐसे मूर्ख मार्ग हैं। तो क्या ये अभुजमाण का इलाका है जहाँ पे कभी कुछ भी निर्माण कार्य नहीं होना है? 22 वर्ष हो गए हैं, 15 वर्ष हो रहे हैं, धीरे धीरे बीतते जा रहे हैं, कई विधायक आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। कई तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसे सुनने को मिलता है कि ये इस मुख्य मार्ग का निर्माण कार्य इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये शासकीय जगह है। तो मुझे ये बात में बहुत हास्यास्पद वाली बात है कि रोड का निर्माण होना किस जगह पे, शासकीय भूमि में होना है कि किसी के प्राइवेट लैंड पे इस रोड का निर्माण होना है? जी एक्चुअली मैं उनको पता चल चुका था, मैं अब आप किसी का नाम लेना हमें उचित नहीं है, बड़े ही सम्मानित पद पर आसीन है वो सब। बारिश के टाइम पे, क्योंकि मार्ग तो है ही नहीं, आप ही देख रहे हैं, उनका शासनकाल था, उनके शासनकाल में मुख्य मार्ग का निर्माण होना था, जबकि और इस कॉलोनी में भी उतने ही ऊंचे सम्मानित पद पर पूर्व के यहाँ पे उनके रह चुके हैं, निवास उनका अभी भी यहीं पे है, तो उन्होंने आज तक इस रोड के लिए कोई संघर्ष नहीं किया। आपकी लड़ाई किस तरह से होगी आगे? मेरी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी शासन से नहीं है, मेरी लड़ाई नहीं, मेरी मांग इन सब के साथ, क्योंकि इन सब ने मुझसे सहयोग मांगा, मुझसे हमेशा संपर्क किया है और मुझे सहयोग करके कह रहे हैं कि आप हमारे लिए एक रोड मांग दीजिए। उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको ये जानना भी नहीं है कि रोड बनाएगा कौन, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, निर्माण होना चाहिए, उनको रोड मिलना चाहिए, उनकी डिमांड है, जो कि मैं उस चीज़ को जायज़ मानती हूँ, निर्माण होना आवश्यक है। कॉलोनी वासी एक लंबे समय से शासन प्रशासन द्वारा सिर्फ आश्वासन पाकर ठगे जा रहे हैं, और इस बार तो टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई थी और भूमि पूजन भी हो चुका था, और उसके बाद भी सड़क का निर्माण चालू नहीं होना समझ से परे है। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।